तो मैं नीतीश कुमार लर्न मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। ये रीजनिंग सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो आया है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आप उसे जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अपने पास दो सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है तीन तीन करके, और इसमें रिलेशन ढूंढना है और सेम रिलेशन को आपको क्या करना है, जो ऑप्शन है वहाँ पर ढूंढना है। आगे देखते हैं, अपना जो है क्या है, 16 है, 7 है, 37 है, दूसरा क्या है, 28 है, 9 है, 55 है। तो रिलेशन ढूंढने अगर हम चलेंगे तो 37 माइनस 16 कितना होगा, 37 माइनस 16 देखिएगा ये 21 होगा, और 21 क्या है, बीच का जो नंबर है उसका 3 टाइम्स। ऐसे ही अगर देखें तो 55 माइनस 28 कितना है, ये 27 है, 27 कैसे आएगा, बीच के नंबर का 3 टाइम्स। इसका मतलब लास्ट में जो दो नंबर है उसका डिफरेंस लेना है और बीच के नंबर को 3 टाइम्स करके देखना है। इधर क्या आ रहा है, 25 माइनस 13 का वैल्यू आ रहा है 12, और 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3, तो हो गया, यही सही आंसर है। नेक्स्ट में क्या करना है कि ऑपरेशन, अच्छा ये सब दिया हुआ है, ऑड वन आउट हमें सेलेक्ट करना है। इसका मतलब कि बाकी सब एक पर्टिकुलर जो है वो रूल को फॉलो करेगा, हमें देखना है कौन उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वही अपना ऑड वन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सबको देखें तो इसमें क्या दिख रहा है, जैसे देखिए पहले 25 है तो 25 का स्क्वायर कितना है, 625 आया, इसमें से 5 माइनस करके 620 लिखा गया है। इसमें देखेंगे तो 20 है तो 20 का स्क्वायर लिखा गया कितना है, 400, फिर इसमें से 5 माइनस किया गया, 395 आ गया। सेम ऑप्शन 2 में भी मैच कर रहे हैं। ऑप्शन 1 में अगर देखने जाएंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था, 225 होना चाहिए था, लेकिन है 220, इसलिए क्या हो गया आपका, ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिखा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पे जो सीक्वेंस है सीरीज दिख रहा है, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा यही हमें बताना है। तो 2 है, 4 है, 6 नहीं है, 10 है, फिर 28 है, क्वेश्चन मार्क है 244 है। तो देखिए अगर कुछ पता नहीं चले ना नंबर सीरीज में तो हमने गैप ले लिया करते हैं, गैप से कुछ आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे गैप 2 का है, यहाँ पे गैप कितने का है, 6 का है, ये गैप कितना है, 18 का है, तो आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि अरे भैया ये तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया गैप में, तो फिर यहाँ पे जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 3 कितना होता है, 54, और 54 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 82। यहाँ पे हमने 82 रख दिया, अभी बाद का भी आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे 54 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा, क्या 162 प्लस 82 ये मिलके कितना आ रहा है आपका, 144 आ रहा है, 244 आ रहा है, तो आ रहा है, इसका मतलब कि सही बात है, 162 ऐड करो तो सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 जो कि है 82। अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने पास दो ब्रैकेट में नंबर दिया हुआ, ब्रैकेट में टोटल 3 नंबर से, दो ब्रैकेट से, और हमें इसमें से क्या करना होता है, ये देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और सेम पैटर्न को हमें ऑप्शन में ढूंढना है। 4 है, फिर है 25, ये है आपका 6 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्या है, 8 है, और फिर है 25, और फिर क्या है आपका 3। अभी क्या करना है, इसमें हमें ढूंढना है कि कौन सा लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाएँ तो एक्सट्रीम दोनों को मल्टीप्लाई किया है, 4 × 6, और एक ऐड किया 25 आ गया, यहाँ पे आ रहा है क्या, बोलेंगे हाँ, एक्सट्रीम दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक ऐड किया 25 आ गया। तो हमें ये नहीं सोचना कि 25 ही आना चाहिए, एक्सट्रीम दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे 18 प्लस 1 19 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस 1 कितना आना चाहिए था, 22, और एक्चुअली में 22 है भी, तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिख रहा है इसमें है आपका कि फर्स्ट एंड सेकंड रिलेटेड है सेम लॉजिक से, तो थर्ड एंड फोर्थ रिलेटेड है उसी लॉजिक से, आपको क्या करना है, फिफ्थ एंड सेवन्थ को रिलेट करना है। तो अगर हम देखें तो 10 को 45 से रिलेट किया है, इसके बाद में 6 को किससे रिलेट किया है, 25 से, तो 9 का रिलेशन किससे होगा, 10 45 देखते ही 9 × 5 का फील आ रहा है, तो हम बोलेंगे 10 में से एक कम करके 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या यहाँ पे भी वो काम हो रहा है, हो रहा है, 6 में से एक कम करके 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 9 में से एक कम करके 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 40।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि दो सेट दिया है, इसमें हमें ढूंढना है कि लॉजिक कौन सा लग रहा है और सेम लॉजिक को अप्लाई करके ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ब्रैकेट क्या क्या है, 11, 13, फिर है 143, यहाँ पे आपका आ गया 17, 11, 187। एकदम बहुत ही ऑब्वियस है, फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 11 इंटू 13 कितना आ जाएगा 143, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 11 कितना आ जाएगा 187। ऐसे ही फर्स्ट दोनों का प्रोडक्ट लास्ट वाला होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है 4 इंटू 3 कितना है 12, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है दो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है आपका एक 15 है, फिर 9 है, 4 है, यहाँ पे क्या है 7 है, 2 है एंड 3 है। हमें ढूंढना है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें और सेम लॉजिक का यूज करके आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो एक चीज़ दिख रहा है कि अगर हम लास्ट दोनों को ऐड करें 9 + 4 तो 13 आया, और इसमें भी दो ऐड करना है तो 15 आ जाएगा। क्या इधर भी काम कर रहा है, कर रहा है। 2 + 3 करने से 5 आएगा, इसमें भी दो ऐड कीजिए 7 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है आपको, इसमें क्या है कि 13 + 4 ऐड कीजिए 17 आएगा, फिर दो ऐड कीजिए 19 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका बाकी का नंबर सब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, हमें देखना है कौन उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले में अगर आप देखेंगे तो क्या है, 6 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करके 60 लिखा, फिर क्या किया -10 करके 50 लिख लिया है। थर्ड में देखेंगे तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, फिर -10 करके क्या लिखा हुआ है 70। ऐसे ही लास्ट में 9 को 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आया 90, फिर -10 करके आ गया 80। लेकिन बीच में अगर देखेंगे तो 7 × 10 70 तो ठीक है, लेकिन फिर -2 करके 68 लिखा गया है, जबकि -10 करना चाहिए था। इसलिए सही आंसर क्या हो गया ऑड वन आउट में, ऑप्शन नंबर 2। 25 में हमें देखना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो है किसी नंबर से रिलेटेड है, फिर ऐसे ही आपका किसी लॉजिक से रिलेटेड है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी रिलेटेड है, सेम लॉजिक का यूज करके आपको क्या करना है, बाकी दोनों को भी रिलेट करना है। तो कैसे रिलेट करेंगे ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लॉजिक आप लगा सकते हैं 21:196 में, कि हमने 21 में से 7 माइनस किया, फिर क्या बचा, और फिर इसका स्क्वायर कर दिया। लेकिन फिर यहाँ पे स्क्वायर बैठ नहीं रहा है, इसका मतलब ये लॉजिक लगाना बेकार है। और क्या कर सकते हैं, 21 माइनस 7 करके फिर आपको क्या किया 14 है, 14 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन फिर 38 माइनस कुछ भी करके 14 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि 14 से मल्टीप्लाई करने पर इवन आना चाहिए था, 315 तो ऑड है, ये भी नहीं चला। एक और ऑप्शन है कि अगर हमने 21 में 7 ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा 28, और 28 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 196। यहाँ पे लगा के देखते हैं, 38 में से आपको 38 में 7 ऐड करना है तो ये कितना आ जाएगा 45। क्या 45 × 7 आ जाता है, 7 × 5 = 35, 28 × 3 = 31 आ गया, इसका मतलब काम सही है। तो इधर भी हम क्या करने वाले हैं कि जो ये 29 है इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और 36 में फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 42 = 21 × 4 = 25, तो 252 आ गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आया है 252, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देना है कि हमें देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, और फिर सेम कॉमन का यूज करके आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आगे देखते हैं, 6, 24, 22 और 14, यही है ना, 6, 22, 14, दूसरा है आपका 8, 30 और 19। तो फिर 22 × 6 = 28, अच्छा ठीक है, तो 22 + 6 करेंगे तो 28 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 14। यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट दोनों को ऐड किया हमने, 8 + 30 = 38 आया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कि आ जाएगा 19। मतलब कि फर्स्ट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है ना, इधर कर लेते 18 + 4 = 22 / 2 = 11,
बाकी में ऐसा आ नहीं रहा है, तो फिर यही आंसर होगा। जैसे ऑप्शन वन में दोनों को ऐड करने से आ रहा है 58, बाई टू करने से 29 आना चाहिए था, 29 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इधर भी कितना आना चाहिए, 33/2, यहाँ पे 43/2 आ रहा है, 43/2 तो 22.5 होगा, तो ऑप्शन नहीं है। इसमें क्या करना है, सेम आपको क्या करना है, इन दोनों में लॉजिक ढूंढना है और सेम लॉजिक को अप्लाई करना है। तो इधर है 63, 81 एंड 7, फिर आपको क्या मिल रहा है, 84, 49 एंड 12। अगर आप देखेंगे तो 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, और जब 63 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और इसका स्क्वायर किया तो 81 आ गया। यहाँ पे अगर हमने 84 को 12 से डिवाइड किया तो 7 आएगा, इसका स्क्वायर किया तो 49 आएगा। मतलब फर्स्ट को लास्ट से डिवाइड करना है फिर उसका स्क्वायर करना है। देख लीजिए, 99 को 9 से डिवाइड किया 11 आएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आ गया। बाकी कहीं परफेक्ट स्क्वायर दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है तो फिर डिविजिबल ही नहीं है 12/56 से, और फिर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर वन। इसमें हमें क्या देखना है, ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। तो ऑड वन सेलेक्ट करने के लिए आपको ये देखना होता है ना कि बाकी लोग किस रूल को फॉलो कर रहा है और एक उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। जैसे 19 × 7 करने से 133 आ रहा है, 26 × 5 करने से 130 आ रहा है, ऐसे ही 28 × 7 करने से 196 आ रहा है, लेकिन दोस्त 17 × 9 करने से 153 आना चाहिए ना, दिया है 157, तो नहीं होगा सही है, यही हो गया ऑड वन आउट। इसमें क्या दिया है कि अच्छा फिर से ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है। सो 90, 93, 96, ऐसा लग रहा है कि तीन तीन का गैप है, +3, +3, यहाँ पे भी +3, +3, लेकिन इधर है +5, +3, बाकी में +3, +3 है, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 में है, आपको लॉजिक ढूंढना है, मिशन लॉजिक। तो अपने पास है 26, 120, फिर है 34, दूसरा है 14, 110 एंड 41। अभी देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है, स्क्वायर वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ दिखा, अगर हमने फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड किया, 26 + 34 किया तो ए आ जाएगा 60, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। इधर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 14 + 41 करने से 55 आएगा, इंटू का 2 करेंगे 110 आएगा। इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। 36 + 17 करने से आएगा 53, गुना का 2 कितना आ गया आपका 106, यही हो गया आंसर, बाकी में ऐसा आ ही नहीं रहा है। हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर ढूंढना है। तो 26 है, 26 के बाद क्या दिया है, 54 के बाद 110, तो देख लीजिए 26, 54, 110, अभी तक पैटर्न आपको पता चल गया होगा, 222, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 446 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन है, बिल्कुल है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर आ गया आपका 894। जाने के लिए क्या किया गया, 26 में 1 ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे भी 54 में 1 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए 110 में 1 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, यही चल रहा है। तो 222 में भी 1 ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 223 × 2 कितना हो जाएगा, 446। क्वेश्चन का सही आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या देखना है, नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, नेक्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड रिलेटेड है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिलेटेड है, सेम लॉजिक से आपको क्या रिलेट करना है, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ को रिलेट करना है। तो ये क्या है, 30 × 48 है, ये भाई 30 × 48, 60 × क्या होगा पता करना है, और 45 × 72 है, यही है। तो भाई मेरे कुछ दिख रहा है, हाँ जी, 6 × 35 = 48, 9 × 45 = 72। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 5, फिर यहाँ पे 6 × 8, तो सेम नंबर में पहले 5 मल्टीप्लाई किया फिर 8 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या है 9 × 5, फिर है 9 × 8, ऐसे ही देखा जाए तो 12 × 5 = 60 है,
तो 12 इंटू 8 96 होना चाहिए और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 96। 8 12 6 9 18 एंड 2 हमें क्या करना है, फिर लॉजिक ढूंढना है और लॉजिक ढूंढ के सॉल्व करना है। तो 8 12 6 814 9 और 17 1 18 ये तो नहीं करता। 8 12 6 इसमें हम क्या कर सकते हैं, 8 हाँ गुना का 6 करेंगे डिवाइडेड बाय 4 तो आ गया 12। फिर आपको चाहिए 9 18 एंड 8 ना, तो 9 में हम गुना का 8 करेंगे फिर 18 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे ना, हाँ जी 18 आ गया। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना है, तो 24 को 4 से डिवाइड करते तो 6 आता है नहीं, यहाँ पे 96 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 24, तो इसलिए यही ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपको कि सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स, अच्छा हमें यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है फिर से। तो क्या है, 52 है 10 है इसके बाद है 41, फिर आपका क्या है 46 है 18 है एंड 50 है। अभी देखना है कि कैसे क्या लॉजिक ढूंढना जाए। 52 प्लस 10 इंटू 3 ये कितना आ गया 82, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 41 आ रहा है। इधर देखा जाए 46 प्लस 18 इंटू 3 कितना हो गया 100, फिर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है 50, मतलब कि फर्स्ट में सेकंड के 3 टाइम्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखें तो 68 प्लस 26 इंटू 3 कितना आ गया आपका 78 और 68 146, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 73 आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार निकला, मस्त, क्योंकि इसमें क्या करना है एक नंबर में दूसरे नंबर के 3 टाइम्स को ऐड करके डिवाइड करना है। आगे चलते हैं, ये है आपका 12 51 एंड 5, फिर है 8 30 एंड 2, 12 51 5 8 32। जैसे ही देखा होगा आपको पता चल गया होगा कि 12 एंड 5 एक्सट्रीम को ऐड करो 3 से मल्टीप्लाई करो 51, यहाँ पे एक्सट्रीम को ऐड करो 8 प्लस 2 10, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 30, मतलब एक्सट्रीम को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। इधर क्या आ रहा है 11 प्लस 6 इंटू 3 आ गया 51, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो 66 होना चाहिए था, इसमें से 60 होना चाहिए था, यहाँ पे 90 होना चाहिए था बीच में, लेकिन आ रहा है 120। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4।